राहुल गांधी की अगुवाई में चल रही भारत जोड़ो यात्रा का केरल चरण गुरुवार को पूरा हो गया। चुनगात्रा के मर्थोमा कॉलेज जंक्शन से सुबह 6:30 बजे शुरू हुई पदयात्रा वाजी कादव के CKHS मनीमुली में रुकी। दोपहर के विश्राम के बाद यह पदयात्रा आगे बढ़ी। नीलांबुर में रात के विश्राम के बाद कल सुबह यह पदयात्रा तमिलनाडु के गुडलूर की ओर बढ़ेगी। ये पदयात्रा जल्द ही कर्नाटक में दाखिल होगी और आगे बढ़ती चली जाएगी। भारत जोड़ो यात्रा केरल में 21 दिनों तक चलती रही। ये 7 जिलों से होकर गुजरी और इसने 440 किलोमीटर की दूरी तय की है। इसमें शामिल लोग रोजाना औसतन 20 से 25 किलोमीटर चले हैं। भारत जोड़ो यात्रा केरल से गुजरती हुई कई तरीके के विवादों में भी फंसी। राज्य के कुछ वकीलों ने केरल हाईकोर्ट में जनहित याचिका दायर कर इस पदयात्रा पर रोक लगाने की मांग अदालत से की। उनका तर्क था कि इससे सड़क पर जाम लगता है और लोगों को दिक्कतों का सामना करना पड़ता है। केरल हाईकोर्ट ने इस याचिका को खारिज कर दिया। राहुल गांधी को एक और विवाद का सामना करना पड़ा जब BJP ने उनके साथ चल रही एक लड़की की तस्वीर ट्वीट कर कहा कि ये वही लड़की है जिसने 2020 में बेंगलुरु के एक कार्यक्रम में पाकिस्तान जिंदाबाद के नारे लगाए थे। BJP के दावों के अनुसार यही वो लड़की है जिसने 20 फरवरी को CAA और NRC के खिलाफ चलाए जा रहे आंदोलन में बेंगलुरु के एक कार्यक्रम में हिंदुस्तान जिंदाबाद के साथ पाकिस्तान जिंदाबाद के नारे लगाए थे। उसका नाम अमूल्या लिहोना नौरनहा है। इंस्टाग्राम देखने में पता चलता है कि एर्नाकुलम में भारत जोड़ो यात्रा में शामिल होने वाली राहुल गांधी के साथ चलने वाली लड़की का नाम मीवा एंड्रिलियो है और वो केरल स्टूडेंट्स यूनियन से जुड़ी हुई है। मीवा एंड्रिलियो का अमूल्या लिहोना से कोई नाता नहीं है। एंड्रिलियो केरल स्टूडेंट्स यूनियन की सदस्य है। केरल स्टूडेंट्स यूनियन कांग्रेस का ही छात्र संगठन है। इसकी स्थापना 1957 में अल्लापूजा के MA जॉन ने की थी। इसके महासचिव वायलार रवि थे। इस तरह BJP प्रवक्ता संबित पात्रा ने राहुल गांधी के साथ हिजाब में चल रही एक बच्ची की तस्वीर ट्वीट कर कहा था वो कांग्रेस हिजाब और तुष्टिकरण को बढ़ावा दे रही है। कांग्रेस ने इस पर पलटवार किया था। बता दें कि तमिलनाडु के कन्याकुमारी से शुरू हुई भारत जोड़ो यात्रा 150 दिनों तक चलेगी। इस दौरान ये 12 राज्यों से गुजरेगी और 3,570 किलोमीटर लंबी इस यात्रा का समापन जम्मू कश्मीर में होगा। यात्रा 12 राज्यों के 20 शहरों से होकर गुजरेगी। गुजरात इस यात्रा में शामिल नहीं है।